हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कौशिक अमावस्या के दिन मैं अपनी मम्मी पापा के साथ गई थी तारापीठ पूजा देने के लिए एंड हम सुबह के 4:30 बजे निकल पड़े पूजा देने के लिए। एंड मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। मतलब मालूम तो है कि भीड़ होगी, लेकिन इस टाइम में भी इतने ज़्यादा लोग होंगे। तो तारापीठ जाना मेरा ये सेकेंड टाइम है। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तो इसीलिए मेरे को उस टाइम का कुछ भी याद नहीं है। ओके, जैसे जैसे हम मंदिर की ओर जा रहे थे, लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं ठीक से वीडियो नहीं ले पा रही थी, तो इसीलिए आपको दिखेगा कि क्लिप शायद इधर की उधर है, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं है। जब मेरे को स्पेस मिल रहा था मैं उसी टाइम वीडियो कर रही थी, उस भीड़ में कैमरा पकड़ना नहीं हो पा रहा था। अब जो आपको मिठाई दिखने वाली है उसका नाम है लैंचा। मैंने ये मिठाई कभी नहीं खाई है, लेकिन मैं फिर भी बोल सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है। हाँ, मिठाई है तो मीठी होगी। तो आपको इसी मार्केट में पूजा की सारी सामग्री भी मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत दुकान है, बहुत छोटे छोटे से दुकान भी हैं, एंड वो दुकानदार आपको खुद से भी बुलाएंगे कि आप हमारे दुकान से लेके जाइए, आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से ले सकते हो। तो हम भी यहाँ पे पूजा की सामग्री ले रहे हैं। और यहाँ पे पूजा देने के लिए आपको पांडा लेना ही पड़ेगा, बिना पांडा के आप यहाँ पे पूजा नहीं कर सकते हो। और एक बात, आप इसी मार्केट से पूजा की सारी सामग्री ले लेना, मंदिर में जाके किसी भी पांडा से कोई पूजा की सामग्री मत लेना। ये बात मैंने क्यों बोली इस ब्लॉग में ही आपको मालूम चल जाएगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फोन पे उनकी थोड़ी सी झलक को रिकॉर्ड कर लूँ, जिससे शायद आप लोगों को भी मैं दिखा पाऊँ, आप भी मेरे ब्लॉग के जरिए उनके दर्शन कर पाएंगे। तो मैंने बस अपना कैमरा को ऑन करके रख दिया, मैंने देखा कि हाँ रिकॉर्ड चालू है बस। उसके बाद मैंने अपने फ़ोन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि किस तरह की एंगल आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक से वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं। बस मैं चलते गई एंड मुझे लगा भी था कि शायद नहीं आएगी, लेकिन बाद में मैंने जब चेक किया तो थोड़ी सी उनकी झलक मेरे फ़ोन पे रिकॉर्ड हुई है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। सामने से भी जब हम उनके दर्शन किए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और एक चीज़ कि जैसे हमारी पूजा संपन्न हुई, वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने मुझे ऐसे घुमाया कि मैं राउंड होके, मतलब घूम तो गई थी लेकिन मैं बाहर नहीं निकली थी एंड मेरा पैर भी थोड़ा सा स्लिप हो गया था, मैं गिर जाती, लेकिन शायद भगवान की महिमा कि मैं नहीं गिरी। तो उन्होंने मुझे वापस से घुमा के फिर बाहर निकाला। वहाँ पर टाइम बिल्कुल भी नहीं देते यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि और थोड़ा देर हमें वहाँ पे रुकने की अनुमति दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हर एक को थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा टाइम देंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। एंड अगर टाइम दे भी देंगे तो हम इंसान सबसे पहले तो सेल्फी लेंगे एंड वीडियो भी करेंगे, तो वो फालतू की मतलब हो जाएगी। तो अच्छा ही करता है कि आप दर्शन करो, पूजा करो एंड उसके बाद बाहर निकलो। तो एक तरह से वो भी अपनी जगह पर सही है। ट्राई कर रही थी कि एक अच्छी सी रील्स बनाऊं, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया। एंड मेरे मम्मी पापा को भी पिक्चर एंड वीडियो लेना नहीं आता है। अगर आप मेरे पापा की वीडियोग्राफी स्किल देखोगे तो आप हंसोगे। तो छोड़ो। ओके, अब मैं आप लोगों से ना कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी, पता नहीं आप लोग अग्री करोगे या फिर डिसअग्री। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा वहाँ पे कुछ लोगों की नीच हरकतों को देख के, जैसा कि इस टाइम ये महाशय कर रहा है कि पूजा किए गए हुए सारे फल फूल एक साइड में रखे गए हैं या फिर फेंके गए हैं, जो भी हो, ये वहाँ से उठा करके ले जाकर बेच रहे थे। 300 में इन्होंने बेचा है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग थे जो लोगों को ठग रहे थे, बहुतों ने, तो बहुतों को बोल रहे थे कि कौशिक अमावस्या के दिन माँ का दर्शन करने को नहीं दिया जाता है, तो आप बाहर से ही पूजा कर लीजिए। और उनसे 500 रुपया भी ले लिया। वो मेरे कैमरा पे नहीं आया है और ना तो उसकी वॉइस आती, क्योंकि बहुत जोरों से माइक बज रहे थी। मैं सच में मैं हैरान हूँ कि ये लोग खुद को साधु बाबा या फिर पंडित जो भी कैसे बुलाते हैं यार, इनको मतलब कुछ है या नहीं है, मंदिर में वो ऐसा काम कैसे कर रहे हैं।
इवन मम्मी जब शिव जी के मंदिर पूजा करने के लिए गई, उनकी जैसे पूजा समाप्त हुई, वहाँ पे जो थे, जो महाशय थे, उन्होंने मम्मी से बोला 50 रुपया दो। मुझे ना मतलब हंसी आ रही है कि क्या शिव जी ने कभी बोला था इन लोगों से कि जो मेरे भक्त आएंगे उनसे पैसे लेना, या फिर माँ तारा ने इन लोगों से कहा था कि जो मेरे भक्त आएंगे, जो मेरी पूजा करेंगे, मेरे दर्शन करना चाहते हैं, उनसे पहले पैसे लेना फिर मेरे दर्शन करने को देना। देखो मैं वहाँ पे जो लोग हैं, जो संत साधु हैं, मैं उनके जैसे ज्ञानी एंड विद्वानी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि मेरा भगवान कभी भी अपने भक्तों से पैसे नहीं लेंगे। लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन लोगों ने भगवान की पवित्र भूमि को एक बिजनेस प्लेस बना दिया है। ये सब कुछ देख के मुझे ऐसा लगा कि मैंने ओ माय गॉड जो मूवी है वो मैंने रियल में देख ली। मैं फर्स्ट टाइम ये सब देख रही थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी एंड मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि लोग मंदिर में ये सब कैसे कर रहे। अब अपना कर्म वो लोग कर रहे हैं, उनका फल भी उनको मिलेगा कभी ना कभी। और ये देखो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा कान्हा जी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अब हम जाने वाले हैं साधक बाबा खापा जी के घर की ओर एंड हमने सोचा आसपास में जितने भी मंदिर हैं हम वहाँ भी जाएंगे दर्शन करने के लिए। इवन हम इस्कॉन भी जाने वाले थे, यस थे, लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे साथ हुआ स्कैम जो कि टोटो वाले ने किया। उन्होंने क्या किया कि हमें बाबा जी के घर से घुमा के ला के रख दिया एंड बोला कि उनको उन्हें इस्कॉन जाने की जो रूट है उधर जाने की परमिशन नहीं है। तो ये बात उन्हें हमें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं, ऊपर से 150 का चार्ज ले लिया, जो कि माँ तारा के मंदिर से बाबा जी के घर की जो डिस्टेंस है उसकी अमाउंट बिल्कुल भी 150 नहीं हो सकती। तो थोड़ी सी बहस हुई और क्या, पैसे तो वापस नहीं करेंगे जो भी हो, उन्होंने ले लिया। गुस्सा बहुत आया था लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। बाबा जी के घर के पहले आपको माँ काली का ये मंदिर दिखेगा, उसके बाद उनका घर है, तो वीडियो नहीं ले सकती थी, वहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया जब मैं जा रही थी, तो ये बस थोड़ा सा आ गया। तो ये उनका शायद पहला वाला घर होगा, एक ही घर है, उनके जो वंशज के लोग हैं उन्होंने उनको डिवाइड कर दिया है, थोड़ा सा बिजनेस समझ जाओ। एंड उनके जो ओरिजिनल पिक्चर है इस घर में नहीं है, दूसरे घर में उनके ओरिजिनल पिक्चर एंड उनकी चादर थी एंड दोनों घर में मूर्ति थी और एक मंदिर में उनकी मूर्ति थी एंड वहाँ भी शिवलिंग था, शिव मंदिर बोलो तो चलेगा। और उन सारे मंदिरों के बाहर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो आपसे पैसे मांगे, एक ने तो डायरेक्ट आके हमसे बोला 500 रुपया दीजिए, हमने नहीं दिया है, आप भी मत देना। इतना मैं जरूर बोल सकती हूँ कि वहाँ पे जो भगवान के नाम पे जो बिजनेस चल रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा स्कैम भी हो रहे हैं, तो अगर आज बामा खापा जी जिंदा होते तो वो इस प्लेस को छोड़ के कहीं और चल जाते एंड माँ काली को भी अपने साथ लेके जाते।
एंड बात सिर्फ तारापीठ की नहीं है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेस है जहाँ पे लोगों ने भगवान को एक बिजनेस का जरिया बना लिया है। अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर वापस, हमें लगी बहुत जोरों की भूख, तो हमने सोचा मंदिर में जो भोग दिया जाता है वो हम खा लेंगे, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम था एंड हमें वापस से ट्रेन भी लेनी थी, वापस घर भी आना था, हमारा ट्रेन का टाइम भी हो रहा था। तो फिर हम वहाँ से निकल पड़े, हमने सोचा हम फ्रूट्स खा लेंगे क्योंकि वहाँ पे सारे दुकानों में सिर्फ मटन एंड चिकन ही सेल हो रहा था, अगर वेज लिखा भी था तो उसमें भी बहुत मतलब अनियन गार्लिक दिया हुआ था, कहीं पे भी जैन फूड नहीं मिल रहा था, प्योर निरामिष नहीं मिल रहा था। तो हम जब वापस आ रहे थे तो हमें रास्ते में दिख गया निरामिष का दुकान जो कि मंदिर जाने के ही रूट में है। जब मैंने वहाँ पे देखा कि प्योर निरामिष है तो मैं फिर भी जाके उनसे पूछी कि इसमें कोई अनियन गार्लिक तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दुकानों में मैंने देखा कि लिखा तो था वेज लेकिन उसमें अनियन गार्लिक था। और मैं जाके जहाँ पे खाना बना रहे थे मैं वहाँ पे जाके एक बार पूछ के आई जो स्टाफ थे उनसे कि आप इसमें अनियन गार्लिक तो नहीं दे रहे हो ना, उन्होंने भी कहा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो जाके हमने यहाँ पे अपना लंच किया। और मेरी नज़र इस पे पड़ी और जैसी पड़ी मैं मम्मी को लेकर आई, बोल के लो लो खरीदो इसको। हमेशा नाप तोल में ऐसा ही देखती रहती थी एंड मुझे बोलती थी कि ऑर्डर करो एंड मैं कभी नहीं सुनती थी क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ही वो कॉस्टली लग रहा था नाप तोल में। एंड मैंने मीशो में भी देखा तो मैंने सोचा भी था कि मैं मीशो से ऑर्डर कर दूंगी इस दिवाली, लेकिन हमें मिल गया 30 में, तो चलो अब मीशो से ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। एंड मेरे को उसका नाम नहीं मालूम कि उसको क्या बोलते हैं, लेकिन इससे पीठा बनेगा। तो ये लास्ट नाइट की वीडियो है एंड पता नहीं मैं इसको एंड में क्यों ऐड करी हो, जो भी हो तो डे में जितनी आप लोगों ने क्राउड देखी नाइट में तो एक्सट्रीम लेवल के, तो फिर भी मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ एंड मैं मंदिर तक तो वीडियो बना पाई हूँ जो भी हो छोटा मोटा वीडियो क्लिप्स जो भी हो। लेकिन जैसे हम मंदिर से निकल कर शमशान घाट की ओर गए थे, ओ भैया वहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस था ही नहीं कि मैं फ़ोन उठा के वीडियो बनाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा क्लोज लोग मतलब थे आसपास में, कैमरा उठा के वीडियो बनाऊँ मेरा फ़ोन अगर गिरता तो शायद मुझे नहीं मिलता, अगर मैं उसको उठाने जाती तो लोग मेरे ऊपर से चल के चल जाते, तो वहाँ पे पॉसिबल तो था ही नहीं। वहाँ पे मैंने बहुत सारे ब्लॉगर को देखा जो पर्सनली जाके ब्लॉग कर रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना तांत्रिक थे जो तंत्र की पूजा कर रहे थे एंड तारापीठ में बहुत ज़्यादा तांत्रिक होते ही हैं, कुछ अच्छे होते हैं एंड कुछ बुरे भी होते हैं, तो थोड़ा सा अजीब भी फील हो रहा था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी मैं फील कर रही थी। और कुछ तांत्रिकों ने हमसे कहा कि हम शमशान घाट की ओर ना जाए, तो ऐसा हुआ ना कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पापा आगे हो गए थे बहुत ज़्यादा एंड हम पीछे हो गए थे एंड नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि हम बोले कि हमें नहीं जाना, तो ऑप्शन नहीं था तो हम चलते गए। तो जैसे हम शमशान घाट में एंटर किए शायद 2 से 3 कदम हमने रखा, मेरी नज़र सामने पड़ी जहाँ पे माँ काली की मूर्ति थी, लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे। साइड में मैंने देखा कि एक अग्नि की बहुत ऊंची ज्वाला उठ रही थी, उतने में एक ऐसी भगदड़ आई कि बस मतलब हम बाहर आ गए एंड मैंने वहाँ पे वीडियो करने की कोशिश भी की है जो ब्लॉग में है, तो वो भी वीडियो नहीं हो पाया, बिल्कुल कैमरा इधर से उधर हो गया। तो शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर हम ज़्यादा अंदर तक जाते हैं वो भगदड़ अगर उस टाइम होती तो फिर हम शायद प्रॉब्लम में आ जाते। तारापीठ एक ऐसी प्लेस है, यहाँ पे साइंस फेल है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके एंड हमारे सोच से बिल्कुल परे हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं कुछ YouTube चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी जिनमें डिटेल्स में बताया गया है एंड पॉसिबल हो तो आप खुद भी जाओ दर्शन करो जानो वहाँ के बारे में।
तो अब हम आ चुके हैं ब्लॉग के एंड में। आप अभी तक ब्लॉग देख रहे हो सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन ब्लॉग। टाटा बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो बाय बाय। I'm going to go back to the